थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्र और छात्रा से लूटपाट किए जाने की घटना को रविवार को सीओ कैंट एएसपी रोहन प्रमोद बोटरे ने खुलासा किया। दिलचस्प है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इनसे 20,000 की रंगदारी भी मांग रहे थे, जिस पर पीड़ित छात्र ने सीओ कैंट से मिलकर मामले को लिखित शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुसमी जंगल से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दें, खोराबार थाना के कुशमी जंगल का है, जहां जंगल में घूमने गए इंजीनियरिंग की छात्र छात्रा को घेर कर बदमाशों ने लूटपाट की थी। वहीं मौके पर बदमाशों ने मारपीट भी की थी। इस दौरान दोनों से आई कार्ड छीन लिया और 20,000 रुपए की मांग करने लगे। पैसा नहीं होने पर छात्र ने अपना मोबाइल नंबर देकर बाद में पैसा देने का भरोसा दिलाकर किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि बदमाश छात्र को फोन पर धमकी देकर 20,000 रंगदारी देने का दबाव बनाने लगे। ऐसे में छात्र सीधे एसपी रोहन प्रमोद बोटरे के दफ्तर पहुंच गया और उनसे लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान कर ली और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। साथ ही खोराबार थाने में दोनों के खिलाफ रंगदारी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। वहीं एएसपी रोहन प्रमोद बोटरे ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग की छात्रा अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के साथ कुशमी जंगल की ओर गई थी। वहां पर 4 से 5 युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनका मोबाइल छीन कर बदसलूकी करने लगे। मारपीट पर उतारू बदमाश 20,000 रुपए की मांग करने लगे। किसी तरह से बचकर निकलने के बाद यह छात्र हमसे मिले, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट एसपी रोहन प्रमोद बोटरे ने कहा, कई दिनों से ये शिकायतें आ रही थी। कई पत्रकार बंधु ने भी ये शिकायतें की थी, कई आम पब्लिक ने शिकायत की थी कि इस तरीके के लोगों को कुशमी जंगल में लूटने की खबरें सामने आ रही थी। पिछली बार में हमने इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। इस बार भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थी ने बाइक पर जा रहे थे, उनकी बाइक रोक के उनसे 20,000 रुपये मार पिटाई करके मांगने की खबर सामने आ रही थी, और जो महिला पीछे बैठी थी उनके साथ छेड़छाड़ करने की सूचना हमें मिल रही थी। लड़का हमारे पास आया था, उसको रंगदारी मांगी जा रही थी लगातार और दबाव डाला जा रहा था। उसी में हमने एक टीम गठित की थी हमारी पुलिस की, और उन्होंने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार करने में वो सक्सेसफुल रहा। कितने लोग शामिल थे इसमें? इस गिरोह में करीबन 5 लोग शामिल थे, 3 फरार हो गए, 2 हमें मौके से मिले हैं। किससे कैसे लोग शिकार बनाते थे? जनरली फैमिली जो जाती थी या कपल्स जाते थे उन्हीं को ये परेशान करते थे। किस तरह की और भी टीमें वहाँ पे हैं? अभी तो ये जो टीम पकड़ी गई है थे, ये काफ़ी लोगों से इन्होंने सुनने में आ रहा था, जो पता चल रहा है कि इन्होंने वसूली की थी। चूँकि ये जंगल में इंटीरियर्स में ये ग्रुप ऑपरेट करता है, एंटी रोमियो टीम भी लगातार इसमें कार्यरत है और एक पिकेट भी कुशमी जंगल में खोराबार थाने की लगाई गई है। अलग से कई दिन हो गए, 10-15 20 दिन हो गए इसमें लगाई गई है।